अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। न्यूरोनाटमी, न्यूरोफिजियो। तो कल आपने जो न्यूरॉन्स देखा था कम्प्लीटली तौर पर, वैसे फर्स्ट एड में जो टॉपिक नेक्स्ट बनता है वो ग्लियल सेल्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स और ये वाले सारे सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, श्वान सेल्स, माइक्रोग्लिया। बट इससे पहले हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक कल मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे से बताया था, न्यूरॉन एक्शन प्रोटेक्शन के हवाले से, तो ये उससे कोरिलेट करता है। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये कल से कोरिलेट करता है, फिर हम बाद में जो उसके दूसरे ग्लियल सेल्स हैं फिर हम उनको पढ़ लेंगे। चलें पहले डिटेल्स में देख लेते हैं, फिर हम इसको जो है ना वहाँ से भी डिस्कशन इसकी कर लेंगे कि वहाँ पर ये क्या बता रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल, तो देखें पहले जो न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल और कुछ भी नहीं है, ये क्या है न्यूरॉन, देखिए आप कल मैंने पढ़ाया था एक न्यूरॉन होता है, ये न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, ये उसका एक्सॉन होता है और ये उसका टर्मिनल पोर्शन होता है। ठीक है, और ये उसके क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। तो हमने बेसिकली इस एक्सॉन के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे मूव करता है हमने इसको देखना है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि इधर से इसने सिग्नल वसूल किए डेंड्राइट से, फिर उनको सेल बॉडी के अंदर प्रोसेस किया और फिर उसने सिग्नल्स आगे भेजे एक्सॉन के जरिए। अब वो जो सिग्नल्स हैं, जो कंडक्शन है, वो इस एक्सॉन में कैसे कंडक्शन मूव करती है। जिन्होंने कल क्लास ली थी उनके लिए कोई मसला नहीं होगा, कल आपने क्लास ली थी डॉक्टर सदा, आपको बड़ा मजे का समझ आएगा। तो वो कैसे आगे मूव करते हैं, कल हमने जो एक्शन पोटेंशियल हम छेड़ रहे थे उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। दैट इज कॉल्ड योर एक्शन पोटेंशियल, कि आपकी जो इम्पल्स है वो यहां से यहां तक कैसे मूव करती है। ठीक है, उसको हम मजीद आज डिटेल में छेड़ेंगे, कल भी हमने देखा था, आज हम उसको मजीद डिटेल में देखते हैं। तो वो उसकी डेफिनेशन करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट ट्रेवल अलोंग द एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन दैट अलाउज द न्यूरॉन टू कम्युनिकेट विद अदर न्यूरॉन्स और सेल्स ऑफ द बॉडी। तो वो एक न्यूरॉन जो है ना दूसरे न्यूरॉन के पास सिग्नल्स अपने भेजता रहता है, या फिर बॉडी का कोई सेल होगा उसके पास अपना सिग्नल भेजेगा, उनसे क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो इसके तीन फेज होते हैं एक न्यूरॉन के एक्शन पोटेंशियल के। पहले आता है आपका रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल, कि रेस्ट में सेल क्या कर रहा है, फिर रेस्टिंग से वो जाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ, किसकी तरफ, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ, फिर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से वो किसकी तरफ जाता है, एक्शन पोटेंशियल की तरफ, फिर इसी एक्शन पोटेंशियल से वो वापस किस तरफ आता है, आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ वापस दोबारा। तो हमने इनको डिस्कस करना है कि उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है और कैसे मेंटेन रखा हुआ होता है, फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे थ्रेशोल्ड की तरफ मूव करता है, फिर थ्रेशोल्ड कैसे एक्शन पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, फिर एक्शन पोटेंशियल कैसे दोबारा मूव करता है आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ, और यह साइकिल क्या होता है, मतलब दोबारा चलता रहता है। तो देखें पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल देखेंगे, फिर हम एक्शन पोटेंशियल देखेंगे। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आप यूं देख लें कि हम इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो होता है -70 to -90 इनके दरमियान में। इसका जो भी हर सेल का होता है, बॉडी के आपके हर सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 mV। ठीक है, कुछ बॉक्स में -70 लिखा होता है, कुछ बॉक्स में -90 mV लिखा होता है। तो आप रेंज बोल सकते हैं कि इसके दरमियान में, और अगर ज़्यादा प्रेफर करना चाहें तो ज़्यादा प्रेफर आपने -70 mV को करना है। ठीक है, -70 mV को आपने ज़्यादा प्रेफर करना है। ठीक है, मोस्टली बॉक्स में जो फेमस बॉक्स है उनमें -70 mV लिखा गया है, और ये हब हर सेल्स में होता है, लेकिन यहाँ पर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वो कैसे बनता है, इसके जरिए हम देखेंगे। नंबर वन आपके होते हैं, ये लेट्स सपोज दैट मैंने एक सेल ले लिया आपके न्यूरॉन का, एक्सॉन का। ठीक है, और उसकी मैं जो है ना उसको डिटेल में बताऊंगा कि उसमें क्या हो रहा होता है। नंबर वन होते हैं आपके सोडियम पोटाशियम एटीपेज चैनल्स, जो इसकी सेल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके चैनल हो गए, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों क्या है, सोडियम पोटाशियम एटीपेज चैनल्स। इनका काम क्या होता है, ये एटीपी यूज़ करते हैं, इसलिए इनको एटीपेज बोलते हैं। ये क्या यूज़ करते हैं, एटीपी यूज़ करते हैं, ये एटीपी को यूज़ करते हैं, और आपके अंदर से सेल के अंदर से तीन सोडियम उठाते हैं और उनको बाहर भेजते हैं। ठीक है, ये वैसे आपने पढ़ा होगा नॉर्मल फिजियो में कि तीन सोडियम को उठाते हैं अंदर से और बाहर भेजते हैं, और सेम वक्त दो पोटाशियम को बाहर से उठाते हैं और कहाँ भेजते हैं, सेल के अंदर भेजते हैं। इसी तरह इधर भी तीन सोडियम को बाहर भेजते हैं, दो पोटाशियम को अंदर भेजते हैं एटीपी को यूज़ करते हुए, इसलिए इनको बोलते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस। एटीपेज को यूज़ करके सोडियम पोटाशियम को ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कितने पॉजिटिव आयंस बाहर जा रहे हैं, तीन बाहर जा रहे हैं, और अंदर कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अंदर थोड़ा नेगेटिविटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अंदर से पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं, एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा बाहर जा रहा है, तो अंदर नेगेटिव होगा। तो अगर हम स्टार्ट करें जीरो से, कि पहले 0 mV इसका वोल्टेज है,
अब पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं, अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो अंदर तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, तो इसकी वजह से आपका जो वोल्टेज होता है वो जीरो से जाके माइनस 5 मिलीवोल्ट की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो जीरो से लेकर आपका माइनस 5 मिलीवोल्ट की तरफ चला जाता है। ये होता है आपका पहला काम सोडियम पोटेशियम एडीपेजेस का, ये पहला काम कर रहे हैं। दूसरा काम ये क्या कर रहे हैं, अब तवज्जो से देखें कि ये दूसरा काम ये कर रहे हैं कि बाहर सोडियम भेज रहे हैं बार बार, तो आउटसाइड ऑफ द सेल सोडियम की मिकदार क्या हो जाएगी, ज्यादा है ना, क्योंकि सोडियम को बाहर ही भेजे जा रहे हैं, बाहर ही भेजे जा रहे हैं, और पोटेशियम को कहां भेजे जा रहे हैं, अंदर, तो अंदर जो पोटेशियम का लेवल है वो क्या हो जाएगा, अंदर ज्यादा हो जाएगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है कि आउटसाइड ऑफ द सेल सोडियम का लेवल हाई होता है और इनसाइड ऑफ द सेल पोटेशियम का लेवल हाई होता है। तो एक तरह का ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या मतलब होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का, कि ये आउटसाइड ऑफ द सेल सोडियम का लेवल ज्यादा और इनसाइड ऑफ द सेल सोडियम का लेवल कम है ना, क्योंकि अंदर से सोडियम को बाहर भेज रहे हैं। और इसी तरह पोटेशियम के वाले से, पोटेशियम का लेवल इनसाइड ऑफ द सेल ज्यादा, आउटसाइड ऑफ द सेल कम, तो ये आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस इस तरह काम करते हैं एटीपी को यूज करते हुए। तो अब आपको जो पोटेंशियल था वो जीरो से कहां तक पहुंच चुका, माइनस 5 मिलीवोल्ट तक, ये नंबर वन चीज। अभी हम रेस्टिंग म्यूटेंट पोटेंशियल को हमने कहां तक लेके जाना है, माइनस 70 तक लेके जाना है। कैसे लेके जाते हैं, अब नंबर टू देखें। नंबर टू क्या होता है, नंबर टू आपके होते हैं लीकी पोटेशियम चैनल्स। ये क्या होते हैं, लीकी होते हैं। अब ये चैनल्स आपके सारे रखे हुए हैं, ये चैनल होते हैं लीकी। लीकी का मतलब है कि इनसे फ्रीली जो पोटेशियम है वो आगे पीछे मूव करता रहता है अपनी मर्जी से आगे पीछे। अब एक और, इससे पहले एक और चीज सुन लें, जब पोटेशियम आपकी सेल के अंदर होता है तो पोटेशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो पोटेशियम कुछ इनायंस के साथ मिला होता है, इनायंस बोलते हैं नेगेटिव आयंस को, इनायंस बोलते हैं नेगेटिव आयंस को। तो आपकी सेल बॉडी के अंदर कुछ इनायंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं। एग्जांपल्स में आप देख लें, फास्फेट्स हो गया, आपके प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स होती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और फास्फेट्स होते हैं और फास्फेट्स पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इनायंस होते हैं। तो सेल के अंदर इस पोटेशियम ने, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव, इनायंस के ऊपर नेगेटिव, इन्होंने बांड बनाया होता है और आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं सेल के अंदर, सेल के अंदर। अब इधर क्या है, लीकी पोटेशियम चैनल्स हैं, और मुझे बताएं जब लीकी पोटेशियम चैनल्स हैं तो पोटेशियम इनके अंदर से आगे पीछे फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो पोटेशियम अंदर आएगा कि बाहर जाएगा, बताएं मुझे, पोटेशियम अंदर आएगा कि बाहर जाएगा, हाँ जी बाहर जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर जो पोटेशियम का लेवल है वो क्या है, हाई, और बाहर पोटेशियम का लेवल क्या है, कम। पानी को दो आप वो ले लें, बोटल्स ले लें, उनमें बीच में सुराख करें सेम लेवल पे, और उनके दरमियान में वो रख दें आप पैप रख दें, एक में पानी का लेवल ज्यादा हो, एक में पानी का लेवल कम हो, तो पानी जो है ना जिस पे पानी का लेवल उस तरफ भागेगा। तो इधर भी ऐसी कंडीशन है कि इधर पोटेशियम का लेवल हाई है अंदर और बाहर क्या है, कम है। तो पोटेशियम क्या करता है, अंदर से बाहर भागता है लीकी चैनल्स के जरिए। जब पोटेशियम बाहर जाएगा तो पीछे क्या रह जाएंगे आप, सिर्फ और सिर्फ इनायंस, नेगेटिव आयंस रह जाएंगे। तो ये जो पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं ये मोर परमिएबल होते हैं पोटेशियम को, तो सारा पोटेशियम बाहर निकल जाता है, पोटेशियम क्या हो जाता है, बाहर। अब एक तो पॉजिटिव आयंस बाहर जा रहे हैं तो पीछे क्या रह रहा है आपका, सिर्फ और सिर्फ एनायंस। तो इन नेगेटिव आयंस की वजह से अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वह किस तरह चला जाता है, माइनस 5 से माइनस 90 मिलीवोल्ट्स की तरफ। समझ आ गया। नंबर थ्री स्टेप क्या होता है, नंबर थ्री स्टेप होता है आपका लीकी सोडियम चैनल्स। अब लीकी, जब इधर लीकी सोडियम चैनल्स हैं तो इस वक्त सोडियम बाहर ज़्यादा है कि अंदर, सोडियम तो बाहर ज़्यादा है। अब सोडियम बाहर से अंदर आएगा, जब पॉजिटिव चार्जेस अंदर आएंगे तो आपके माइंड में आ रहा होगा, सर जी एक चीज़ बताएं कि पोटेशियम बाहर जा रहा है तो माइनस 5 से माइनस 90 तक आ रहा है, तो सोडियम अंदर आ रहा है, अब पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं तो माइनस 90 से माइनस 5 की तरफ चले जाना चाहिए वापस, है ना। लेकिन जो सोडियम अंदर आते हैं वो थोड़े आते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो चैनल्स होते हैं, ये पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमिएबल होते हैं और सोडियम के लिए कम परमिएबल होते हैं। तो कम नंबर ऑफ सोडियम अंदर आते हैं तो ये जो माइनस 90 है ये ज़रा कम होकर माइनस 70 की तरफ चला जाता है। तो इस तरह आपको जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो माइनस 70 मेंटेन किया जाता है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझ आ गया कैसे मेंटेन होता है, रिपीट तो नहीं करना है इसको, समझ आ गया। चलिए इसकी रीडिंग कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके ओके, अब देखें, अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है, द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन्स एट रेस्ट। जब आपका जो न्यूरॉन है वो रेस्ट कर रहा है तो मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर जो डिफरेंस है वोल्टेज का वो क्या है, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये माइनस 70 माइनस 90 होता है और ये हर सेल में होता है, इधर हम न्यूरॉन में देख रहे हैं। अच्छा,
Sodium potassium ATPases pumps 3 sodium ions out of the cell and 2 potassium ions into the cell. As 3 positive charges are leaving and only 2 positive charges are entering, which makes the cell less positive and leads to net negative charge inside the cell, it changes the membrane potential from 0 to minus 5 millivolt. उसने ये वाली बात की है। इसमें दूसरी चीज़ तो क्या कहता है? As the pump is pushing the sodium out of the cell and potassium into the cell, so generating the concentration gradient for sodium and potassium. Sodium is higher outside the cell and potassium is higher inside the cell. The pumps require ATP to work because they are pushing both these ions against their concentration gradient. ठीक है? Against the अब next step potassium leaky channels. These channels are leaky and allows open और ये always open होते हैं leaky होते हैं always open होते हैं allowing the potassium to freely move across the cell membrane down its concentration gradient के ज़्यादा से कम की तरफ. As potassium is more in concentration inside the cell as compared to outside of the cell, so potassium moves from inside of the cell to the outside of the cell. Inside of the cell, potassium interacts with the proteins that are negatively charged, anionic proteins. Now, as potassium ions are leaving the cell, the remaining ions कौन से होंगे inside the cell? Negative charge, anionic proteins होंगी. That makes the inside of the cell more negative. It changes the membrane potential from minus 5 to minus 90 millivolts inside the cell. Leaky sodium channels. These channels are also leaky and open, allowing the sodium ions to freely move across the cell membrane down its concentration gradient, as sodium is more in concentration outside of the cell as compared to inside of the cell. So sodium moves from outside of the cell into inside of the cell. Positive ions are entering the cell, that makes the inside of the cell less negative. Resting cells are more permeable to potassium comparison to sodium. So sodium leaky channels play a small percentage into the overall effect on resting membrane potential. It changes the membrane potential from minus 92 to minus 70, जो कि आपका average resting membrane potential है. तो ये कम उसमें role करता है. समझ आ गया? आगे है आपका graded potentials. अब हमने resting membrane potential से चीजों को लेके जाना किस तरफ? Action potential की तरफ. Sorry, threshold potential की तरफ. किसकी तरफ? Threshold potential की तरफ. तो जो चीज threshold potential की तरफ लेके जाती है, वो आपके होती है graded potentials. ये मैंने कल पढ़ाया था. आपको समझ आ जाएगा, जिसने कल क्लास ली थी उसको पढ़ते ही रीडिंग करते ही समझ आ जाएंगे. वो कहता है कि EPSPs आर ग्रेडेड पोटेंशियल कॉजेस डीपोलराइजेशन एंड ब्रिंग्स द रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल माइनस 70 मिलीवोल्ट्स क्लोजर टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल. जो कि जो रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल था वो कितना है? माइनस 70. वो कहता है ईपीएसपी माइनस 70 से लेके आते हैं माइनस 55 की तरफ, जो कि आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, जो कि आपका उसकी तरफ लेके आते हैं. अब ये EPSPs क्या करते हैं, कैसे लेके आते हैं? डीपोलराइजेशन करते हैं, कि अंदर पॉजिटिव चार्जेस लेके आते हैं. तो जब अंदर पॉजिटिव चार्जेस लेके आते हैं, तो यार मैंने कल भी पढ़ाया था, मैं चला इधर देख लें, आप इसको गौर से देख लें, फिर देख लें इसको. वो कहते हैं आपके पास लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं. ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल, ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स. अगर आपको जो ऊपर से न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है वो स्टिमुलेटर है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है. ठीक है, जब ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे एग्जॉन से निकलेगा, दूसरे न्यूरॉन से जब वो यहां से निकलेगा, तो वो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स के पास आएगा और उसके ऊपर क्या होगा? लगेगा, जुड़ेगा. जैसे ही जुड़ेगा तो उसको ओपन कर देगा. पहले वो क्लोज था चैनल, अब उसको क्या कर देगा? ओपन कर देगा. वो जैसे ही ओपन होगा तो जो पॉजिटिव आयन है, वो सोडियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, वो क्या करते हैं? अंदर मूव करते हैं, रश करते हैं अंदर. जब अंदर आते हैं तो अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बढ़ जाता है. अंदर पॉजिटिव चार्ज, जब अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो पहले मैंने 70 मिलीवोल्ट था, ये देखें हमने मैंने 70 मेंटेन किया हुआ था, मैंने 70 मिलीवोल्ट, अब हम इससे आगे मूव कर रहे हैं, मैंने 70 मिलीवोल्ट होता है. अब जब पॉजिटिव अंदर आए हैं तो ये मजीद माइनस 55 मिलीवोल्ट की तरफ चला जाता है. अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, अब ये रेस्टिंग से चला गया थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ. किसकी तरफ? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ. तो ये माइनस 55 वोल्ट की तरफ चला गया. तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ईपीएसपी. ये डी प्रोडक्शन करा रहा है, कि अंदर पॉजिटिव चार्जेस को बढ़ा रहा है. तो ये ईपीएसपी हो गया. अच्छा, ये तो था कि अगर पॉजिटिव स्टिमुलेटरी था, अब अगर नेगेटिव स्टिमुलेटरी हो, क्या हो? नेगेटिव स्टिमुलेटरी आपका न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा हो. लेट्स सपोज दैट आपका गाबा, गाबा एक नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर है. अगर गाबा अंदर एंटर हुआ तो ये आएगा, इसके साथ जुड़ेगा, ये जैसे ही जुड़ेगा, वो भी ओपन करा रहा था, ये भी ओपन कराएगा. लेकिन फर्क क्या है? तब पॉजिटिव आयन अंदर आ रहे थे, अब नेगेटिव आयन अंदर आएंगे. अब नेगेटिव 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 अंदर सारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेंशियल कितना है? कितना है? माइनस 70. अब मजीद माइनस अंदर आ रहा है, तो ये दोबारा किसकी तरफ चला जाएगा? माइनस 90 मिलीवोल्ट्स की तरफ. तो अब ये डीपोलराइज नहीं कर रहा, बल्कि ये क्या कर रहा है? हाइपर रीपोलराइज कर रहा है. क्या कर रहा है?
हाइपर रिपोलराइज कि बहुत ज्यादा नेगेटिव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आईपीएसपी। ईपीएसपी का मतलब होता है एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, और आईपीएसपी का मतलब होता है इनहिबिटरी कि ये इनहिबिट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। तो इस तरह आपका काम करता है। तो ईपीएसपी क्या करता है? डीपोलराइजेशन कराता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ मूव कराता है, और आईपीएसपी क्या करता है? हाइपर रिपोलराइजेशन कराता है, अवे फ्रॉम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल लेके जाता है। ठीक है, तो इसको ग्राफ में भी देख लें आप लोग। देखें, अगर मैं इसको टाइम लूँ, इसको मैं मिलीवोल्ट्स लूँ, तो ये माइनस 70 आपका क्या है? रेस्टिंग ग्राउंड पोटेंशियल है, और ये माइनस 55 आपका क्या है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। तो वो कहता है कि पहले एक स्टिमुलस आई, उसने इसको यहाँ तक लेके गया, वापस आ गया, फिर दूसरी या आपका क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव स्टिमुलस आ रही है, पॉजिटिव आपका न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है, तो वो अंदर पॉजिटिव करेगा। जब वो पॉजिटिव करेगा तो थोड़ा सा ये बढ़ेगा, माइनस 55 की तरफ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर आपकी दूसरी आपकी जो है ना, फिर दूसरा ग्लूटामेट आएगा, फिर करेगा, फिर वह इसको ऊपर लेके जाएगा, फिर यहाँ तक। अब अगर आपका फिर गैबा आ गया है, गैबा न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो फिर या माइनस 70 से वो मजीद माइनस 90 की तरफ नीचे लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब अगर आप चाहते हैं कि आप थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाए, तो आपको चाहिए कि आपका ईपीएसपी ग्रेटर हो आईपीएसपी से, है ना, कि आपकी ये जो चीज़ें आ रही हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस क्या आ रहे हो? कम आ रहे हो, ताकि आपका जो पोटेंशियल है वो मजीद बढ़ जाए, और आप इजीली कहां तक पहुंच जाए? माइनस 50 मिलीवोल्ट्स थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ चले जाए। तो इस तरह आपके थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो समझ आ गया थ्रेशोल्ड पोटेंशियल? नहीं समझ आया है? आगे समझ। चलें इसकी रीडिंग करते हैं, कि दोबारा रिपीट तो नहीं करना इसको, है? चलें देखें। वो कहता है ग्रेटर पोटेंशियल, ईपीएसपी और आईपीएसपी दोनों का समेशन, दोनों को मिलाएं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर पोटेंशियल बोलते हैं। ईपीएसपी ग्रेटर पोटेंशियल कॉजेस डीपोलराइजेशन एंड ब्रिंग्स द रेस्टिंग ग्राउंड पोटेंशियल, ये माइनस 70 से किस तरह ले जाता है? माइनस 55 की तरफ, क्लोजर टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, माइनस 55 की तरफ। व्हाइल आईपीएसपी ग्रेटर पोटेंशियल कॉजेस द हाइपर रिपोलराइजेशन, वो हाइपर रिपोलराइज करता है, एंड ब्रिंग्स द रेस्टिंग ग्राउंड पोटेंशियल फ्रॉम माइनस 70 टू माइनस 90, फर्दर अवे लेके जाता है उससे। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं? थोड़ी एक्सप्लेनेशन। लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स, ये ग्लूटामेट सेंसिटिव चैनल्स होते हैं। ग्लूटामेट इज अ स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, कैसे करता है? दैट बाइंड्स टू दीज चैनल्स एंड ओपन्स देम अप, उनको ओपन करता है। इन फ्लक्स ऑफ पॉजिटिव आयंस दैट कॉजेस डीपोलराइजेशन, जैसे ही ओपन होगा पॉजिटिव आयंस अंदर आएंगे और डीपोलराइजेशन होगी, मीन दैट पॉजिटिव आयंस अंदर है। जब पॉजिटिव आयंस अंदर है, तो आपका जो रेस्टिंग पोटेंशियल है माइनस 70 किस तरफ चला जाएगा? माइनस 55 की तरफ, दैट इज योर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड ईपीएसपी ग्रेडेड पोटेंशियल। अब गैबा सेंसिटिव चैनल्स, गैबा जो है ना वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आएगा बाइंड करेगा लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स के साथ, उनको ओपन करेगा, लेकिन अब नेगेटिव आयंस अंदर आएंगे या फिर पॉजिटिव आयंस बाहर जाएंगे। दिस कॉजेस हाइपर रिपोलराइजेशन, के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है माइनस 70 से माइनस 90 की तरफ, जो कि अवे चला जाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ। दिस इज कॉल्ड आईपीएसपी ग्रेटेड पोटेंशियल। और अगर आप चाहते हैं कि रेस्टिंग ग्राउंड पोटेंशियल से आप मूव करें थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ, तो आपका आईपीएसपी ज्यादा, सॉरी ईपीएसपी ज्यादा होना चाहिए। द ईपीएसपी मस्ट बी ग्रेटर देन आईपीएसपी टू अप्रोच द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इन द एक्सॉन हिलक इन ऑर्डर टू इनेबल द एक्चुअल पोटेंशियल इन द एक्सॉन। तो ये क्या बता रहा है? ये होता है ना आपका एक्सॉन हिलक, मैंने कल मैंने बताया था, इसका पार्ट होता है ये वाला, कि ये आपकी सेल बॉडी होती है, ये एक्सॉन होता है, तो जहां पे सेल बॉडी और एक्सॉन जुड़ते हैं इसको एक्सॉन हिलक बोलते हैं। और यहां से मैंने कहा था एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहां से एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट करने के लिए आपका ईपीएसपी ग्रेटर होना चाहिए आईपीएसपी से। अच्छा, अब ये जो न्यूरॉन है, ये इसको ग्रेटर कैसे करता है? अभी हमने कहा कि इधर से एक ये आया, इधर से एक ग्लूटामेट आया, उसने हाई किया, दूसरा ग्लूटामेट आया हाई किया, फिर आपका गैबा आ गया, उसने नीचे बोल दिया, इस तरह तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक कभी भी नहीं जाएगा। तो कैसे आप ईपीएसपी को ग्रेटर करते हैं आईपीएसपी से? उसके दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है आपका टेम्पोरल समेशन, एक होता है आपका स्पेशल समेशन। अब जो टेम्पोरल समेशन होता है उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि एक आपका ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, जिसकी सेल बॉडी, ये प्रीसिनेप्टिक उसका टर्मिनल पोर्शन, और ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है। कौन सा? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, उसने एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर भेजा, लेट्स सपोज दैट हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे थे यार? ग्लूटामेट की। किसकी? कि उसने एक ग्लूटामेट भेजा, फिर वो उसके बाद दूसरा भेजेगा, फिर तीसरा भेजेगा, फिर चौथा भेजेगा, फिर पांचवा भेजेगा, मुसलसल भेजता रहेगा, बार 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 टच करता रहेगा। एक चीज ऐसा है कि आप किसी को बार बार छेड़ रहे हैं, टंग 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 बार बार छेड़ रहे हैं। तो इसमें क्या करता है कि आपका जो ये होता है, ये बार बार ग्लूटामेट भेजता रहता है। जब ये बार बार, अब इसमें एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है और एक क्या होता है? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है।
जो प्री स्नैपटिंग न्यूरॉन होता है वो बार बार इंपल्स भेजता रहता है, बार बार भेजता रहता है, बार बार भेजता रहता है। तो आपने इधर गौर करना है इस डायग्राम पे, ये टेम्पोरल समेशन है। इसमें क्या है कि उसने एक इंपल्स भेजी, वो मैंने 70 से थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ लेके गया, फिर उसने थोड़ी देर बाद दूसरी इंपल्स भेज दी, मजीद पॉजिटिव आइज अंदर है, वो मजीद ऊपर जाएगा, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह करते करते किस तरह पहुंच जाता है आपके थ्रेशर की तरफ। तो इसी तरह उसने पहली इंपल्स भेजी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह थ्रेशर की तरफ पहुंच। तो एक प्री स्नैपटिंग न्यूरॉन था, एक पोस्ट स्नैपटिंग न्यूरॉन था, और वो उसको बार 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 छेड़ रहा था, बार बार छेड़ रहा था, इस तरह वो उसको किसकी तरफ लेके गया। अब दूसरा, हाँ, थ्रेशर प्रोटीन की तरफ। अब दूसरा आपका होता है स्पेशल स्मैशन। स्पेशल स्मैशन भी कुछ इसी तरह है, लेकिन इसमें बार बार हो रहा था, इसमें एक ही दम होता है। कैसे? कि इसमें वो कहते हैं मल्टीपल प्री स्नैपटिंग न्यूरॉन है, एक, दो, तीन, उसमें वो एक भेज रहा था, उसको तीन बार भेजने के लिए तीन बार एक्शन कर रहा था। अब ये बहुत सारे हैं, इसने इन्होंने तीनों ने एक ही साथ, इसने भी भेज दिया, इसने भी भेज दिया, इसने भी भेज दिया, तीनों ने एक ही साथ क्या भेज दिया, ग्लूटामेट भेज दिया, स्टिमुलेटरी। जब वो एक ही साथ भेजते हैं तो जो एक ही साथ पॉजिटिव आइंस बहुत सारे अंदर आ गए, तो ये माइनस 70 से फौरन माइनस 55 की तरफ चला जाता है। इसमें बहुत से मल्टीपल प्री स्नैपटिंग न्यूरॉन होते हैं और पोस्ट स्नैपटिंग न्यूरॉन एक ही होता है, ये सिमल्टेनियसली होता है और ये क्या होता है, रिपीटेडली होता है, और इसमें एक प्री स्नैपटिक और एक पोस्ट स्नैपटिक होता है। समझ आ गया? रीडिंग करें इसकी, तो देखें जी, वो कहते हैं कि टेम्पोरल समेशन, वन प्री स्नैपटिंग न्यूरॉन है ट्राइज टू स्टिमुलेट द वन पोस्ट स्नैपटिंग न्यूरॉन रिपीटेडली, बार बार। अगर इसका ईपीएसपी ग्रेटर हो जाएगा आईपीएसपी से, देन एन इनफ्लक्स ऑफ पॉजिटिव आयंस कॉजेस डीप पोलराइजेशन एंड ब्रिंग्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस 70 मिलीवोल्ट्स क्लोजर टू द थ्रेशर पोटेंशियल माइनस 55 मिलीवोल्ट्स। और अगर स्पेशल समेशन है, मल्टीपल प्री स्नैपटिंग न्यूरॉन्स हो गए, ट्राई टू स्टिमुलेट वन पोस्ट स्नैपटिंग न्यूरॉन और एक सिमल्टेनियसली हो गए, वो रिपीटेडली था। इफ अगर फिर ये ज्यादा हो जाएगा, ऑफकोर्स ज्यादा तो होगा क्योंकि बार बार भेज रहा है, देन एन इनफ्लक्स ऑफ पॉजिटिव आयंस कॉजेस डीप पोलराइजेशन एंड ब्रिंग्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस 70 मिलीवोल्ट्स क्लोजर टू द थ्रेशर पोटेंशियल माइनस 55 मिलीवोल्ट्स की तरफ। ठीक है, अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? पेशेंट को सीजर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पेशेंट को सीजर्स हैं, आपने क्या करना है उसकी, अगर पेशेंट को सीजर्स हो रहे हैं, पेशेंट को क्या हो रहे हैं, सीजर्स, इसका मतलब है कि उसकी ईपीएसपी क्या है, ज्यादा है, हाई है, आपको जो न्यूरॉन है वो बार बार स्टिमुलेट हो रहा है, बार बार स्टिमुलेट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, उसको ड्रग देनी है लोराजेपैम, क्या देनी है, लोराजेपैम ड्रग। अब लोराजेपैम ड्रग क्या करती है, वो गैबा एगोनिस्ट होती है, कि गैबे का एक्शन, गाबा का एक्शन बढ़ा देती है। अब गाबे का एक्शन बढ़ जाएगा, ग्लूटामेट का एक्शन कम हो जाएगा, तो गाबा मोर बार बार आएगा, बार बार आएगा, गाबा इसको स्टिमुलेट करेगा और इस चैनल को ओपन करेगा। वो जब इसको ओपन करेगा, आप मोर नेगेटिव आइंस अंदर आएंगे, जब नेगेटिव आइंस अंदर आएंगे तो क्या आप माइनस 70 से माइनस 55 की तरफ मूव करेंगे? नहीं। अब आप थ्रेशर प्रेशर की तरफ मूव नहीं करेंगे, अब आप मजीद नेगेटिव जाएगा, माइनस 90, हाइपर रिपोलराइज हो जाएगा। अब आपका सेल, आपका न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल की तरफ जाएगा ही नहीं, वो स्टिमुलेट ही नहीं करेगा, वो थ्रेशर पोटेंशियल की तरफ जाएगा ही नहीं, इंपल्स पास ही नहीं करेगा। तो इस तरह आप सीजर से जो है ना वो गेट रेड हो जाएंगे, उनसे उनको अबॉर्ट करेंगे, उनसे जान छुड़ाएंगे। तो देखें इसकी रीडिंग, देखें, समझ आ गया ना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोराजेपैम गैबा एगोनिस्ट इन केस ऑफ सीजर्स, लोराजेपैम कॉजेस द आईपीएसपी, ये आईपीएसपी काज करता है एंड लीड्स टू इन्फ्लक्स ऑफ इनायंस, इनायंस को अंदर लेके आता है, इट कॉजेस द हाइपर रिपोलराइजेशन ऑफ सेल्स एंड ब्रिंग्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फर्दर अवे फ्रॉम थ्रेशर पोटेंशियल, न्यूरॉन्स कैन नॉट जनरेट एक्शन पोटेंशियल एंड हेल्प्स टू अबॉर्ट द सीजर्स। तो हमने कहा कि हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे थे, फिर उससे हमने मूव किया थ्रेशर पोटेंशियल की तरफ, जो कि कितना है, माइनस 55 मिलीवोल्ट, ये माइनस 70 मिलीवोल्ट था। अब हमने माइनस 55 मिलीवोल्ट से आगे एक्शन पोटेंशियल की तरफ मूव करना है, किसकी तरफ, नहीं नहीं मैंने कहा कि जब सीजर्स होंगे तब ईपीएसपी बढ़े हुए होंगे, तब ईपीएसपी बढ़े होंगे, लेकिन जब आप ड्रग्स लेंगे तब ईपीएसपी कम हो जाएंगे और आईपीएसपी बढ़ जाएंगे, तो अब आपका जो न्यूरॉन है वो स्टिमुलेट नहीं करेगा, वो रिलैक्स में रहेगा। अब हम एक्शन पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। अब एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है, याद है कल मैंने पढ़ाया था, इस तरह आपका ये एग्जाम होता है, यहां से एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, यहां से मैंने कहा था ये कब स्टार्ट होता है, ये सेल बॉडी कब स्टार्ट होता है, जब इसको थ्रेशर पोटेंशियल मिलता है। अब थ्रेशर पोटेंशियल इसको माइनस 55 मिलीवोल्ट मिल गया है, अब इसने क्या करना है, एक्शन पोटेंशियल करना है, और इसने इस तरह मूव करना है एक्सॉन टर्मिनल की तरफ। ठीक है, अब हम उस तरफ लेके जाएंगे इसको। तो एक्शन पोटेंशियल, तो क्या कहता है, वंस द थ्रेशर पोटेंशियल माइनस 55 मिलीवोल्ट पे जाता है, तो एक्सॉन हेलो के ऊपर आपका जो है ना इलेक्ट्रिकल एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होता है एक्सॉन के अंदर, डाउन द एक्सॉन, कि यहां से इस तरफ डाउन द एक्सॉन वो मूव करता है आपका एक्शन पोटेंशियल। फिर अब इसको आपने देखना है यहां से, अब आपके होते हैं पहले वोल्टेज गेटेड चैनल्स,
मैंने कहा था ना कल इस तरह दो चैनल होते हैं, एक यहाँ पर सोडियम चैनल, यहाँ पर पोटेशियम चैनल, याद आ रहा है कल का, कल वाला, तो उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका एग्जॉन है, उसकी ये सेल मेम्ब्रेन उसने बनाई हुई है, ठीक है। अब वो कहता है कि ये दो चैनल्स हैं, एक आपका कौन सा है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, एक आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। पहले हम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को छेड़ते हैं। अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल में क्या होता है कि जब नॉर्मल होता है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका मैंने 70 मिली वोल्ट है, मैंने 70 मिली वोल्ट। तो आपका वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम चैनल्स के दो मजीद गेट्स होते हैं, इसके दो गेट होते हैं, एक इधर गेट होता है बाहर की तरफ, एक इधर अंदर की तरफ गेट होता है। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो बाहर वाला गेट इसका क्लोज होता है, ये क्या होता है आपका, क्लोज होता है, इसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन गेट। इसको क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ भी होगा, हाँ ये लिखा हुआ है एक्टिवेशन गेट। तो बाहर ये वाला जो गेट है, बाहर वाला गेट, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन गेट। और जो अंदर की तरफ गेट होता है ये वाला गेट, ये वाला, ये जो खींच के इस तरफ आ रहा है, ये वाला नजर आ रहा है, दिस गेट इज कॉल्ड इनएक्टिवेशन गेट। और ये अंदर की तरफ होता है, इसके दो गेट होते हैं। अब बाहर वाला गेट क्लोज होता है, एक्टिवेशन गेट क्या होता है, क्लोज, और अंदर वाला गेट क्या होता है, ओपन होता है। कब, जब आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होते हैं। लेकिन एक गेट ओपन है, एक क्लोज है, तो क्या ऊपर से सोडियम अंदर आ पाएंगे सेल के अंदर, नहीं आ पाए, क्योंकि एक गेट अभी भी क्लोज है। फिर आप माइनस 70 मिली वोल्ट से आप जाते हैं माइनस 55 मिली वोल्ट के ऊपर, जो कि आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आता है तो आपके जो एक्टिवेशन गेट्स होते हैं बाहर वाले गेट्स, ये पहले क्लोज थे, ये क्या हो जाते हैं, ओपन, ये ओपन हो गए। ये जैसे ही ओपन हुए तो इनएक्टिवेशन गेट जो अंदर वाले गेट थे वो तो ऑलरेडी ओपन है, वो ऑलरेडी ओपन है। ये जैसे ही ओपन होते हैं तो आपका सोडियम जल्दी से अंदर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही सोडियम अंदर आता है सारा, तो सोडियम के अंदर आने से अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जैसे ही अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो अंदर माइनस 55 चार्ज चला जाता है प्लस 30 मिलीवोल्ट्स के ऊपर, किसके ऊपर, प्लस 30 मिलीवोल्ट्स। तो प्लस 30 वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। अब यहां तक आपने डायग्राम समझ लिया, अब नीचे जरा इस डायग्राम पे देखें, कहा ये देखें, हमने कहा कि माइनस 70 से हम माइनस 55 मिलीवोल्ट पे आए। जैसे माइनस 55 मिलीवोल्ट्स पे आए तो सोडियम अंदर आया, जैसे ही सोडियम अंदर आया तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो वो प्लस 30 पे गया है। अब प्लस 30 ये आगे मूव करेगा इस तरह डाउन द आपके एग्जाम, इस तरह डाउन द एग्जाम इस तरह मूव करता जाएगा, माइनस 55 से प्लस 30, माइनस 55 से, क्योंकि इधर बहुत से चैनल्स लगे हुए हैं, हर चैनल क्रिएट करता जाएगा और आप आगे मूव करते जाएंगे। अब आपका जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल था वो कहां पहुंच चुका, सॉरी एक्शन पोटेंशियल कहां पहुंच गया, इधर जगह पर। और मैंने कहा था ये एग्जॉन टर्मिनल है कल वाला, और मैंने कहा था एग्जॉन टर्मिनल पर यहां पर वोल्टेज ग्रेड कैल्शियम चैनल लगे होते हैं। जब वोल्टेज ग्रेड कैल्शियम चैनल को प्लस 30 मिलीवोल्ट्स मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ओपन। वो जैसे ही ओपन होते हैं तो कैल्शियम अंदर आता है। जब कैल्शियम अंदर आता है तो याद करें मैंने कहा था इधर से आपकी क्या होती है, वेजिकल्स होती हैं, इधर से आपकी मेम्ब्रेन होती है। तो वेजिकल्स के ऊपर वी स्नेयर्स होती हैं और मेम्ब्रेन के ऊपर टी स्नेयर्स होती हैं। तो कैल्शियम एज ए ब्रिज काम करता है, दोनों को मिला देता है। जब दोनों मिलते हैं तो यहां से वेजिकल्स जो इधर से इसके सॉरी वेजिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर थे बनाए थे ना कल हमने, वेजिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो यहां से रिलीज हो जाते हैं और जो अगला आपका एग्जॉन होता है सॉरी न्यूरॉन होता है उसको जाके लगते हैं। अगर अगला मसल है उसको जाके लगते हैं, अगला ग्लैंड है तो उसको जाके लगते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह क्या होते हैं, एक्शन पोटेंशियल होते हैं, समझ आ गया। रीडिंग करा लो इसकी, चले रीडिंग से पहले एक और चीज देख ले भाई, रीडिंग से पहले इससे आगे भी मूव कर लेना, रीडिंग से पहले इससे आगे मूव करते हैं। अब ये क्या था नंबर टू पे, यह आपका क्या था, एक्शन पोटेंशियल था। नंबर टू पे क्या था आपका, एक्शन पोटेंशियल था। एक्शन पोटेंशियल पे क्या है, दोनों वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के दोनों गेट्स ओपन है, एक्टिवेटेड गेट भी और इनएक्टिवेटेड गेट भी, दोनों गेट्स ओपन है। जैसे ही आपका पोटेंशियल प्लस 30 पे जाता है, किस पे जाता है, प्लस 30 पे, प्लस 30 पे जाने के बाद अब आपका जो इनएक्टिवेशन गेट था ये वाला अंदर वाला, अब ये क्लोज हो जाएगा है। ये जैसे ही क्लोज होगा, अब ये वाला गेट क्लोज हो गया, भले ये वाला ओपन भी रहे, तो क्या मजीद सोडियम अंदर आ सकता है, नहीं। अब जितना एक्शन पोटेंशियल था उतना प्लस 30 रहेगा, प्लस 30 से ऊपर नहीं जाएगा, प्लस 30 पर नहीं होने देंगे ये, क्यों, क्योंकि मजीद सोडियम अंदर नहीं आ रहा, मजीद सोडियम अंदर नहीं, क्योंकि अंदर वाला गेट क्या हो गया, बंद हो गया। कब बंद हुआ, जब प्लस 30 पे गया। अब उसके बाद प्लस 30 पे दो काम होते हैं, एक ये इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाता है और दूसरा अब आपका जो पोटेशियम गेट क्लोज थे सुबह से वो क्या हो जाएंगे, ओपन। तो पोटेशियम गेट जैसे ही ओपन होते हैं तो सारा पोटेशियम कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है सेल से। ये जैसे ही सेल से बाहर आता है तो आपका जो प्लस 30 होता है ये मूव करके माइनस 70 की तरफ चला जाता है, किसकी तरफ चला जाता है, माइनस 70 मिलीवोल्ट्स की तरफ। जब ये माइनस 70 मिलीवोल्ट्स की तरफ जाता है तो माइनस 70 मिलीवोल्ट्स क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है। अब
जब वो रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल है तो रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल पे अब सोडियम वोल्टेज ग्रेड सोडियम चैनल का क्या हाल था कि उधर जो आपका इनएक्टिवेशन गेट था ये वाला अंदर वाला वो ओपन हो जाता था और ऊपर वाला गेट क्या हो जाता था क्लोज। अब एक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाएगा और इनएक्टिवेशन गेट क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। लेकिन अब भी एक गेट ओपन है सेम ये वाली कंडीशन है तो क्या सोडियम अंदर आएगा नहीं सोडियम अंदर नहीं आ सकता। लेकिन अभी पोटेशियम गेट ओपन है पोटेशियम गेट क्या है इधर भी ओपन है। अच्छा ओपन कैसे होते हैं इधर इधर ओपन है ये इधर ओपन है जैसे ही मैंने 70 मिलीवोल्ट आता है जैसे ही मैंने 70 मिलीवोल्ट आता है तो ये वाली कंडीशन तो आपको समझ आ गई। तो इस वक्त पोटेशियम भी बंद होना शुरू हो जाता है मैंने 70 के ऊपर। लेकिन ये बड़ा ऐसा नहीं होता कि सोडियम जो है फौरन बंद हो जाता है लेकिन जो पोटेशियम होते हैं इनको बंद होने में जरा टाइम लगता है। तो जब तक ये बंद होते रहते हैं दो चार पोटेशियम और भी लीक हो जाते हैं बाहर निकल जाते हैं। जब ये दो चार पोटेशियम और बाहर निकल जाते हैं तो आपको जो ये पोटेंशियल है ये माइनस 70 से माइनस 90 की तरफ चला जाता है तो हाइपर रिपोलराइजेशन हो जाती है। क्या हो जाती है हाइपर रिपोलराइजेशन थोड़ा मजीद नेगेटिव चला जाता है ठीक है। तो इसको इधर भी देख लें इधर क्या हुआ कि जब प्लस 30 आया तो प्लस 30 पर सोडियम गेट्स क्या हो जाते हैं क्लोज हो जाते हैं लेकिन आपके पोटेशियम गेट्स ओपन। जब पोटेशियम गेट्स ओपन होते हैं तो अंदर से पोटेशियम बाहर अंदर नेगेटिव नेगेटिव से वो माइनस 90 की तरफ जा रहा है। देखिए पहले माइनस 70 की तरफ फिर क्लोज होते होते दो चार और भी निकल जाते हैं तो ये माइनस 90 माइनस 90 तो ये माइनस 90 की तरफ चला जाता है। तो जब ये माइनस 90 पे जाएगा तो क्या अब जो इधर वोल्टेज ग्रेड कैल्शियम चैनल से वो ओपन होंगे नहीं वो ओपन नहीं होंगे कैल्शियम अंदर नहीं आएगा क्या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा नहीं। तो दैट्स द रीजन कि जब आपका रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल होता है इसलिए वोल्टेज ग्रेड सोडियम चैनल क्लोज होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज नहीं होगा ठीक है। लेकिन जब एक्शन पोटेंशियल फिर से आता है तो फिर वो इसको जाके ओपन करता है इसको प्लस 30 चाहिए ये प्लस 30 लेके ओपन होगा न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर रिलीज करेगा। अब मैंने जो भी पढ़ाया है इसको मैं ग्राफ में एक्सप्लेन करूं मैं इसको अब कर करते चले कर देते हैं। नंबर वन देखे नंबर वन बोलते हैं जब आपका पोटेंशियल क्या है मैंने 70 मिलीवोल्ट है और मैंने 70 को आपने कैसे गेन किया था कि पहले क्या हुआ था सोडियम पोटेशियम एडीपेज है सोडियम पोटेशियम उन्होंने जीरो से माइनस 5 तक लेके गए माइनस 5 से फिर पोटेशियम लीक हुए माइनस 90 तक लेके गए फिर सोडियम लीक हुए तो माइनस 90 से माइनस 70 तक लेके गए। तो ये नंबर वन आपका क्या है रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल है और रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल में ये नंबर वन इधर ये लिखा हुआ है। इन दोनों डायग्राम को आपने कंपेरिजन करना है जो ऊपर वाले डायग्राम है और जो ग्राफ है जस्ट अ सेकंड मुझे ये सारा क्लियर करने दे ताकि आपको फिर मसला ना हो माय गॉड या फिर कलर चेंज कर लेते हैं यार क्या साफ करते रहे खैर। तो देखें ये नंबर वन कंडीशन है जब नंबर वन कंडीशन में रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल है तो तब आपके दोनों चैनल्स क्या होते हैं क्लोज होते हैं वोल्टेज ग्रेड सोडियम भी और पोटेशियम भी। लेकिन अगर हम सोडियम में मजीद घुसे तो उसका जो इनएक्टिवेशन होता है वो ओपन होता है और एक्टिवेशन क्या होता है क्लोज होता है। ये नंबर वन कंडीशन ठीक है ये नंबर वन समझ आ गई है। अब उसके बाद आप क्या करते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल आते हैं क्या करते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल वो टेम्पोरल भी हो सकते हैं यानी एक प्रीसिनेप्टिक एक पोस्ट वो आपके स्पेशल भी हो सकते हैं कि मल्टीपर प्रीसिनेप्टिक और एक पोस्ट सिनेप्टिक उसकी वजह से आपका जो पोटेंशियल है वो बढ़ेगा और माइनस 55 मिलीवोल्ट की तरफ चला जाएगा। अब वो किस तरफ चला गया माइनस 55 मिलीवोल्ट की तरफ जैसे ही माइनस 55 मिलीवोल्ट पे जाएगा तो अब आपके सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। देखें अब नंबर टू वाली डायग्राम देखें इसमें देखें कि ये वाला तो पहले ही ओपन था अंदर वाला तो इनएक्टिवेशन तो पहले ही ओपन था अब एक्टिवेशन क्या हो जाएंगे ओपन सोडियम जैसे ही ओपन होगा सोडियम अंदर आएगा जैसे ही सोडियम अंदर आएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जब अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये माइनस 55 से प्लस 30 की तरफ चला जाएगा ठीक है। तो इसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं जब ये प्लस 30 की तरफ जाएगा तो अंदर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा जो कि जाके आगे कैल्शियम गेट्स को ओपन करेगा बहुत सारा होगा। फिर उसके बाद क्या होता है जब प्लस 30 होता है तो प्लस 30 के ऊपर क्या होता है कि आपके सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं सोडियम चैनल कैसे क्लोज होते हैं कि अंदर वाला जो इनएक्टिवेशन होता है वो क्लोज हो जाता है भले एक्टिवेशन अभी भी ओपन है लेकिन अंदर नहीं आ सकते और पोटेशियम चैनल क्या हो जाते हैं ओपन हो जाते हैं। अब मजीद ऊपर नहीं बढ़ रहा मजीद पॉजिटिव नहीं हो रहा वो बंद है और पोटेशियम चैनल ओपन है तो पोटेशियम बाहर जाता है तो जल्दी से आपका जो पोटेशियम बाहर तो ये नेगेटिव हो जाता है क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है और किस तरफ हो जाता है माइनस 70 की तरफ आ जाता है। ये नंबर थ्री हो गया फिर नंबर फोर कि उसको क्लोज होते होते टाइम लग जाता है तो दो चार और भी निकल जाते हैं तो वो माइनस 70 से नीचे किस तरफ आ जाता है माइनस 90 मिलीवोल्ट की तरफ आ जाता है। तो नंबर फोर पे देखें इसको हाइपर रिपोलराइजेशन बोलते हैं नंबर फोर पे देखें कि ये तो अब वापस अपनी फॉर्म में आ जाएंगे जो रेस्ट जो वन में थे जो पोटेशियम था वो अभी तक क्लोज होते थे उसको टाइम लग जाएगा फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा अब ये पहले वाली कंडीशन रिसाइकल हो जाएगी ठीक है। तो ये आपको आई होप कि समझ आ गया होगा समझ आ गया पक्की बात है अब ग्राफ भी समझ आ अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताता हूँ
वो कहते हैं इसमें एक और होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड. क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है कि वो कहता है ये आप पीक पे थे डीपोलराइजेशन की, डीपोलराइजेशन की पीक, अब यहाँ पे पीक ले लें. वो कहता है इस पीक और जो आप रेस्टिंग टेम्परेचर कौन सा है, वो कहते हैं आप पीक से लेकर रेस्टिंग टेम्परेचर तक जब तक आते हैं तो ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है, दिस टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड. दिस टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड. और इस पीरियड में आप दोबारा इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं इस न्यूरॉन को? नहीं, वो तो अभी रिलैक्स हो रहा है. वो रिलैक्स होगा तो बाद में दोबारा वो रिस्टिमुलेट होगा. तो वो कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में आप दोबारा इसको स्टिमुलेट भी नहीं कर सकते, भले आप जितनी भी स्टिमुलेशन उसको दे दें. कि यार एक बंदा अभी रेस्ट कर रहा है, वो अभी बैठा भी नहीं है. कि बंदा यार सिंपल सी मिसाल में एक बंदा बैठ रहा है कि जब तक वो बैठेगा नहीं वो उठेगा ही नहीं, उसको बैठने दो फिर वो उठेगा. ओके, मुझे बैठने दो है. तो कुछ समथिंग लाइक दिस कि वो अभी 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 वो रिलैक्स करेगा ना इधर, फिर इधर मैंने 70 पे जाएगा तो फिर वो दोबारा वापस जाएगा ना. तो वो कहते हैं इसको वहाँ, वो कहते हैं पीक से लेकर जब तक हम यहाँ तक आते हैं ये जो टाइम लगता है, ये अगर इसको हम यहाँ पे लें तो ये जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड. एक और चीज़ है वो है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. ये क्या होता है? वो कहते हैं आपने माइनस 70 से उसको कहाँ पे लेके आ गया, आप माइनस 90 की तरफ. अब उसको माइनस 90 से इस तरफ जाते हुए टाइम लगना है ना बहुत सारा, क्योंकि अब वो कहते हैं आप इसको हैपर रिप्रोडक्शन स्टेट से हैपर रिप्रोडक्शन स्टेट से लेकर जब तक आप उसको लेके आते हैं रेस्टिंग ब्रेन फेज तक, तो ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम कि देखिए यहां से स्टार्ट हो गया था ना, यहां से स्टार्ट हो गया था ना हैपर रिप्रोडक्शन, तो आप यहां से लेकर जब तक उसको वापस रेस्टिंग ब्रेन तक नहीं लेके आते, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. लेकिन इसके लिए अगर आप उसको स्ट्रांग वो दे दें, स्ट्रांग स्टिमुलस, आप स्ट्रांग स्टिमुलस देंगे तो वह यहीं से ही उठ के ऊपर चला जाएगा, हैपर में जाएगा ही नहीं. तो वो कहता है अगर इधर आप स्ट्रांग स्टिमुलेशन दें तो आप दोबारा उसको रिस्टिमुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस पीरियड में अगर आप स्ट्रांग स्टिमुलेशन दें तो आप उसको रिस्टिमुलेट नहीं कर सकते भाई. वो रिलैक्स करेगा तो बाद में स्टिमुलेट करेगा. तो आई होप कि आपको यह सारा समझ आ गया होगा. तो मैं आप इसकी रीडिंग करा देता हूँ, ठीक है? रीडिंग भी करा देता हूँ और ये दोबारा सारा हो जाएगा कम्प्लीट इंशाल्लाह. तो कलर ही चेंज कर लेते हैं रीडिंग के लिए, ठीक है? तो कलर की बजाय क्या है, हाईलाइटर उठा लेते हैं आज, हैं? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स. वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स कंटेन टू गेट्स, एक्टिवेशन गेट्स दैट आर लोकेटेड ऑन द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड आर क्लोज्ड एट रेस्ट मेम्ब्रेन. वो कहता है ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं, इसके दो गेट्स हैं. आउटसाइड कौन सा होता है आपका? एक्टिवेशन चैनल्स. और ये क्लोज होता है जब आप रेस्ट मेम्ब्रेन पे होते हैं. और दूसरा आपका होता है इनएक्टिवेशन गेट, जो कि ओपन होता है जब आप रेस्ट मेम्ब्रेन पे होते हैं और ये इनर सरफेस पे होता है, ठीक है? इनएक्टिवेशन गेट्स दैट आर लोकेटेड इन द इनर एस्पेक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड आर ओपन एट द रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है? अब अगली चीज देखिए. वंस द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऑफ माइनस 55 मिलीवोल्ट्स हैज बीन रीच्ड इन द एक्सॉन हेलिक, तो जब एक्सॉन हेलिक के माइनस 55 मिलीवोल्ट्स का थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आएगा, द एक्टिवेशन गेट्स ऑफ द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन. तो एक्टिवेशन गेट्स ओपन हो जाएंगे. कौन से गेट्स? जब एक्टिवेशन गेट्स ओपन होंगे तो आपके ये जो इनएक्टिवेशन गेट्स हैं वो तो ऑलरेडी ओपन है. तो आपके जो सोडियम है वो इंटर होगा एक्सॉन के अंदर, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो आपकी डीपोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन वेव आगे की तरफ मूव करेगी एक्सॉन टर्मिनल की तरफ, ठीक है? जब वो पीक पे पहुंचेगा एट पीक डीपोलराइजेशन वोल्टेज इन द एक्सॉन, जब प्लस 30 पे जाएगा तो इनएक्टिवेशन गेट्स अब क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे प्लस 30 के ऊपर, और मजीद आपका सोडियम अंदर नहीं आ सकता. तो यही वजह होता है कि वो प्लस 30 से मजीद आप प्लस 31 पे नहीं जा सकते, ठीक है? अब उसके बाद वो अगली बात क्या करता है, व्हेन अ डीपोलराइजेशन वेव फ्रॉम द एक्सॉन रीच द एक्सॉन टर्मिनल इट एक्टिवेट्स द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स. कैल्शियम इंटर्स द सेल एंड हेल्प्स इन द फ्यूजन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल्स विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल. कैल्शियम आयंस हेल्प टू फ्यूज द वी स्नेयर्स प्रोटीन इन वेसिकल्स और टी स्नेयर्स प्रोटीन ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन टर्मिनल. दिस फ्यूजन लीड्स टू रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वेसिकल्स इनटू स्नैप्स वेयर नेक्स्ट न्यूरॉन रिसीव्स दीस न्यूरोट्रांसमीटर वियर डेंड्राइट सेल बॉडी और मस्कुलर ग्लैंड सेल्स वियर देयर रिसेप्टर्स. ये मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है? रिपीट हो गया. फिर उसके बाद आपके वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स. When depolarization voltage in the axon are plus 30 millivolts, then it closes the inactivation gates of the sodium channels. वो अब कह रहा है कि जब प्लस 30 पे गए, अब वो इधर आ गया है. जब प्लस 30 पे गए तो आपके ये वाले क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे. अब सोडियम अंदर नहीं आएगा, ये वाले क्या हो जाएंगे? ओपन. पोटेशियम कहाँ जाएगा? बाहर चला जाएगा सारा, ठीक है? तो opens the voltage gated potassium channels allowing the potassium ions to leave the cell. Efflux of potassium ions makes the inside of the cell more negatively charged and causes the repolarization wave to move down along the. अब repolarization move
रिपोलराइजेशन वेव जो है इस तरफ मूव करेगी। जब वो इस तरफ मूव करेगी, व्हेन ये पहुंचती है आपके एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर, इट क्लोजेस द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, हैं? ठीक है, नो कैल्शियम एंट्री, नो फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स विद सेल मेम्ब्रेन, नो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनटू सिनेप्स, कोई रिलीज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, रेस्ट में चले आप बिल्कुल। रिपोलराइजेशन कॉजेस द क्लियर ऑफ द एक्टिवेशन गेट्स ऑफ सोडियम चैनल्स एंड ओपनिंग ऑफ द इनएक्टिवेशन। अब ये बैक टू रेस्ट क्या करेगी, वो कहता है ये क्या करती है, जब आप -90 पे जाते हैं तो -90 क्या करता है कि इसको क्लोज कर, ओपन कर देता है, सॉरी क्लोज कर देता है एक्टिवेशन चैनल्स को, और इनको क्या कर देता है, ओपन कर देता है, वो पहले वाले स्टेज आ जाती है फिर से। ठीक है, अब दूसरी चीज, पोटाशियम कीप्स लीविंग द सेल्स वियर दीज चैनल्स अंटिल द वोल्टेज इनसाइड द सेल्स, वो लीव करते रहते जब तक आपका रेस्टिंग मिनिमम पोटेंशियल नहीं आता। जैसे ही रेस्टिंग मिनिमम पोटेंशियल -70 आता है तो एट विच पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है ना वो क्लोज होते हैं, बट एंड डोंट अलाउ एनी मोर मूवमेंट ऑफ द पोटेशियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स टेक अ लिटिल टू लॉन्ग टाइम टू क्लोज, ये स्लोली स्लोली क्लोज होते हैं, एंड अलाउ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम टू ट्रिकल आउट पास्ट द, कि वो -70 को भी पास्ट कर जाता है और थोड़े बाहर चले जाते हैं, तो आपको जो पोटेंशियल होता है वो मजीद ओवरशूट कर जाता है, इसको हम बोलते हैं हाइपर रिपोलराइजेशन, वो -90 मिलीवोल्ट्स की तरफ चला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, द टाइम फ्रॉम द पीक ऑफ द डिपोलराइजेशन, कि आप पीक पे थे उससे लेकर अंटिल द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज रीच्ड, जब तक आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक नहीं आते, तो दिस टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेल इज रिपोलराइजिंग, वो रिलैक्स हो रहा है, एंड कैन नॉट बी रीस्टिमुलेटेड इन दिस पीरियड रिगार्डलेस ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस इज। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेट दें, जितनी ज्यादा दे दें, जितनी स्ट्रॉन्ग भी हो, नंबर भी जितने ज्यादा हो, वो उसको स्टिमुलेट। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, द टाइम फ्रॉम द ब्रीफ ओवरशूट और द हाइपर रिपोलराइजेशन, कि जब यहां से वो नीचे की तरफ जा रहा था, अनटिल द RMP इज जस्ट रिक्लेम्ड, जब तक आप यहां से वापस आप ये गेन नहीं करेंगे, ये जो सारा टाइम है दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम द सेल इज स्टिल रिपोलराइजिंग, अभी भी वो रिपोलराइज हो रहा है, लेकिन रिपोलराइज नहीं हो रहा, बेसिकली हाइपर रिपोलराइज हो रहा है। ठीक है, एंड कैन बी रीस्टिमुलेटेड इफ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टिमुलस इज प्रोवाइडेड टू पुश द वोल्टेज टू थ्रेशोल्ड पोटेंशियल फ्रॉम द ओवरशूट, तो वो यहां से आप यहां तक अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देंगे तो दोबारा वो स्टिमुलेट हो सकता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट एड की बुक से देख लें, तो ये जो एक सेकेंड कहाँ चला गया, ये रहे देखें जी, ये वाली तो मैंने आपको समझा दिया सारे सारा ग्राफ, ये नंबरिंग देख के, उधर भी मैंने नंबरिंग की हुई थी। ठीक है, ये भी मैंने आपको डायग्राम वहाँ पे समझा दिया, बस इसकी रीडिंग जो है ना टू मच आसान लिखी हुई है। देखें, वो कहता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल टू पोटेशियम देन सोडियम एट रेस्ट, ये मैंने आपको पहले बताया है कि पोटेशियम के लिए वो ज़्यादा होती है। वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स आर क्लोज, दोनों क्लोज होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, दोनों क्लोज होते हैं, ये भी मैंने बता दिया है। वो कहते हैं मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन हुई यानी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आया, सॉरी मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन कब होगी, वो कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आया, सोडियम एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाएंगे, कौन से गेट, एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाएंगे, और इनएक्टिवेशन तो पहले ही ओपन थे, तो सोडियम इनफ्लोज इनवर्ड, तो आपका एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। फिर कहते हैं मेम्ब्रेन रिपोलराइजेशन कैसी होती है, सोडियम इनएक्टिवेशन गेट्स क्लोज हो जाएंगे, अब इनएक्टिवेशन क्लोज है लेकिन एक्टिवेशन खुले हैं, तो क्या सोडियम अंदर आएगा, नहीं आएगा, एट पीक पोटेंशियल यानी +30 पे जब जाता है तब जो होता है, दस स्टॉपिंग सोडियम फ्लो इन, अब सोडियम अंदर नहीं आता बल्कि पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाते हैं, पोटेशियम बाहर जाता है तो अंदर नेगेटिव हो जाता है, -70 की तरफ चला जाता है, और -70 से -90 की तरफ चला, हाँ ये बल्कि उसने लिखा हुआ है, -70 चला गया, अब मेम्ब्रेन हाइपर रिपोलराइजेशन, पोटेशियम एक्टिवेशन गेट्स आर स्लो टू क्लोज, वो बड़ा स्लोली स्लोली क्लोज होते हैं, एक्सेस पोटेशियम इफ्लक्स एंड ब्रीफ पीरियड ऑफ हाइपर रिपोलराइजेशन, और थोड़ा सा हाइपर रिपोलराइजेशन की तरफ लेके जाते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स स्विच बैक टू रेस्टिंग स्टेट, कि दोबारा वो रेस्ट में आ जाते हैं, इनएक्टिवेशन ओपन हो जाएंगे और एक्टिवेशन गेट्स क्लोज हो जाएंगे, सोडियम पोटेशियम ATPase वो दोबारा रिस्टोर कर देते हैं सोडियम पोटेशियम, 3 सोडियम बाहर भेज देंगे और 2 पोटेशियम अंदर भेज देंगे। फर्स्ट एड कितनी आसान है यार, है ना, आसान है फर्स्ट एड बुक, हाँ जी, लेकिन आसान है ना, देखिए कितनी आसान वर्डिंग लिखी हुई है, हम कहते हैं मुश्किल है, आसान वर्डिंग लिखी हुई थी ना, जिसने बेसिक पढ़ा था उसको सवाल। चले जी, जूम पे किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, अदरवाइज कल हम इंशाल्लाह ताला हम कल ये ग्लियल सेल्स पढ़ेंगे सारे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, श्वान सेल्स, मेलन सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट्स, और ये इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि जब मैं डीप पढ़ाऊंगा तो मैं ये न्यूरॉन्स का लफ्ज, ये सारे एक्शन पोटेंशियल जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये लफ्ज मैं बार बार यूज करूंगा, तब आपके माइंड में फौरन से बातें आती जाएंगी कि हाँ जी सर ने ये चीज़ बताई थी, सर ने ये चीज़ बताई थी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, अदरवाइज क्लास डिसमिस। और यार मैंने कल भी कहा था कि सब्सक्रिप्शन के वाले से जिन बच्चों ने
ट्रायल क्लासेस ले ली हैं तो प्लीज़ काइंडली कल से अपनी सब्सक्रिप्शन पे कर दें, और जिन्होंने नहीं ली ट्रायल क्लासेस तो वो अपनी तीसरी ट्रायल क्लासेस स्टिल ले सकते हैं। ओके जी, क्लास डिसमिस्ड।